சரி, பூங்காவிலே உட்கார்ந்திருக்காதீங்க. குழந்தைகளுக்கான இடம் அங்க இருக்கு. குழந்தைகள் விளையாட நிறைய பொருட்கள் இருக்கு. நீங்க அங்க போய் விளையாடலாம். அப்ப உடம்புக்கு நல்ல பயிற்சி கிடைக்கும். குழந்தைகளின் விளையாட்டு திடல். खेल का मैदान एक बहुत बड़ी जगह होती है जहां बच्चे कसरत करते हैं, खेलते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। फिसलन पट्टी। बच्चों को खेलने के लिए एक धातु या लकड़ी की पट्टी तिरछी रखी होती है। इसके एक बाजू में सीढ़ी होती है। सीढ़ी से चढ़कर बच्चे ऊंचाई से फिसलते हुए आते हैं। मेरीगोराउंड। मेरीगोराउंड एक चक्राकार घूमने वाला साधन होता है जो खास बच्चों के लिए बनाया गया है। मनोरंजन के लिए बच्चे इस पर बैठकर गोल चक्कर लगाते हैं। नेस्ट बार। नेस्ट बार एक धातु का बार होता है जिसे लगाकर बच्चे कसरत कर सकते हैं। पतंग। कागज और पतले बांस से पतंग बनता है। लंबा धागा बांधकर पतंग को आकाश में उड़ाया जाता है। हिंडोरा। हिंडोरा एक लकड़ी की फली होती है जिसे बीचों बीच आधार देकर संतुलित किया जाता है। इस फली के दोनों बाजू बच्चे बैठकर झूलते हैं। गोल बार। गोल बार बच्चों के खेलने के लिए एक चक्राकार साधन होता है। इसमें कई आड़े बार लगे होते हैं जिसको पकड़कर बच्चे झूम सकते हैं। मंकी बार। बच्चों के खेलने के लिए खड़े और आड़े धातु के रॉड लगाकर एक ढांचा किया जाता है जिसे मंकी बार कहते हैं। इस पर बच्चे चढ़ते हैं, झूमते हैं और उस पर बैठ भी सकते हैं। रोलर स्केट। रोलर स्केट एक खास प्रकार के जूते होते हैं जिनके तलों में पहिए लगाए जाते हैं। इसे पहनकर हम किसी वाहन की तरह सैर कर सकते हैं। रोलर स्केट का उपयोग योग्य प्रशिक्षण के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता है। जंगल जिम। धातु के अनेक टुकड़े जोड़कर जंगल जिम बनाया जाता है जिस पर बच्चे चढ़ते हैं, झूलते हैं और खेलते हैं। पुलअप्स। पुलअप्स एक प्रकार की कसरत है जिसे करने से हाथ और कंधों की ताकत बढ़ती है। நான் உங்களை ரயில்ல ரொம்ப தூரம் கூட்டிட்டு போறேன். ரயில் நிலையத்துக்கு போகலாம், ரயில பிடிக்கலாம். ரயில்ல போறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரயில் நிலையம். ரயில்வே ஸ்டேஷன் पर ரயில்கடியா आती हैं। यात्री स्टेशन पर रेलवे में चढ़ते हैं। अलग अलग तरह का माल भी यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए स्टेशन पर ही रेलवे में लाद दिया जाता है। कुली।
कुली यात्रियों का सामान रेल के डिब्बे तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर। हर प्लेटफॉर्म को नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर से यात्रियों को पता चलता है कि उनकी रेलगाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। घड़ी। घड़ी समय बताने वाली मशीन है। रेल के आने जाने का समय हमें प्लेटफॉर्म पर इसी घड़ी से पता चलता है। समय सूचिका। समय सूचिका में आने और जाने वाली रेलगाड़ियों की जानकारी होती है। लाउड स्पीकर। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों के लिए कुछ घोषणाएं दी जाती हैं। उन सूचनाओं को ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। रेल की पटरी। रेल की पटरी में दो समांतर लोहे के बार होते हैं जिस पर रेलगाड़ी चलती है। सूटकेस। लोग अपने यात्रा का सामान भरने के लिए छोटे छोटे बक्सों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सूटकेस कहा जाता है। टिकट कलेक्टर। रेल से यात्रा करने वाले यात्री के पास योग्य टिकट है या नहीं इसकी जांच करने वाले व्यक्ति को टिकट कलेक्टर कहते हैं। टिकट की खिड़की। टिकट की खिड़की पर रेल की यात्रा के लिए योग्य टिकट मिलते हैं। टिकट वेंडिंग मशीन। ये एक स्वयंचलित मशीन होती है जिसमें पैसे डालकर अपना गंतव्य स्थान बताकर यात्रियों को योग्य टिकट मिलता है। ஒரு வழியா நகரத்துக்கு வந்துட்டேன். ஆனா நான் ஒரு சில பொருட்களை எடுக்க மறந்துட்டேன். நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும். எங்கூட வாங்க. சூப்பர் மார்க்கெட். சூப்பர் மார்க்கெட் एक बहुत बड़ी जगह होती है जहां से हम घर की सारी चीजें राशन या अन्य वस्तु खरीद सकते हैं। ट्रॉली। ट्रॉली एक बक्सा होता है जिसमें पहिए होते हैं। सुपरमार्केट में घूमते हुए अपनी चीजें रखने के लिए उसका उपयोग होता है। कैश रजिस्टर। अपने व्यवसाय की जानकारी को दर्ज करने के लिए कैश रजिस्टर का उपयोग होता है। सीडी स्टैंड। बहुत सारे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडियों को लगाकर रखने के लिए सीडी स्टैंड का उपयोग होता है। कोषाध्यक्ष। जो व्यक्ति हमसे हमने खरीदी हुई वस्तुओं की कीमत लेता है उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। थैली। सुपरमार्केट में हम जो भी चीजें खरीदते हैं उन्हें इन थैलियों में रखा जाता है। ऑयल कैन। इस डिब्बे में तेल भरा होता है। चावल की थैली।
थैली साधारणतः ताक से बनाई जाती है। इसमें चावल रखा होता है। शॉपिंग बास्केट। सुपरमार्केट में या मॉल में अगर हमारी खरीदारी ज्यादा ना हो तो ट्रॉली के बजाय शॉपिंग बास्केट का वस्तु रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्राहक। किसी भी चीज को बाजार से खरीदने वाले व्यक्ति को ग्राहक कहते हैं। चॉकलेट का डिब्बा। अलग अलग तरह के चॉकलेट्स रखने के लिए इस डिब्बे का उपयोग होता है। मार्केट में अनेक तरह के चॉकलेट के डिब्बे होते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होते हैं। क्रेडिट कार्ड मशीन। सुपरमार्केट में वस्तु खरीदने के बाद ग्राहक अगर क्रेडिट कार्ड से पैसे अदा करना चाहें तो इस मशीन से क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे जमा किए जाते हैं। ये अम्मा वड़ पिरंदनाल मारने टेने अवंगल कोरु वाड़त कर दान अपन में आधो अंगे और अंजल निले रख के वांग अंग बोला अम्मा वक वाड़त कर दता अंगे रंदे नहीं पड़ला अंजल अलवलकत्तिल। पोस्ट खाते में जिस विभाग में बाहर के लोग कुछ खरीदारी कर सकते हैं और जहां लोगों के आने और जाने वाले पत्र इकट्ठा किए जाते हैं उसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं। पोस्टल वैन। पोस्ट के लिफाफे, पार्सल या खत जिस वाहन से लाए या पहुंचाए जाते हैं उसे पोस्टल वैन कहते हैं। मेल बॉक्स या पोस्ट की पेटी। हमारे खत हम जिस बक्से में डालते हैं उसे पोस्ट की पेटी कहते हैं। इस पेटी से निकालकर पोस्ट ऑफिस उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। पोस्टमैन। ये पोस्ट खाते के एक कर्मचारी होते हैं। आपके खत या पार्सल वे आप तक पहुंचाते हैं। लिफाफा। ये कागज का बना होता है। इसके अंदर हम कागज पर लिखे हुए खत डाल सकते हैं। लिफाफे में खत रखने के बाद लिफाफा हमेशा गोंद से बंद करना चाहिए। स्टैम्प या टिकट। हमारे खत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो कीमत हम अदा करते हैं उसे पोस्ट के टिकटों के मार्ग से अदा किया जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा चौकोनी आकार का एक कागज का टुकड़ा होता है जिसे खत या लिफाफे पर चिपकाया जाता है। पोस्ट का सिक्का। पार्सल या खत स्वीकारने के बाद पोस्टमैन उस पर स्वीकृति के तौर पर एक सिक्का लगाता है जिसे पोस्टल सील कहते हैं। पोस्टल कार्ड। इसे पोस्ट कार्ड भी कहते हैं। ये एक थोड़े से मोटे कागज का बना होता है जिस पर पता लिखने के लिए और संदेश लिखने के लिए जगह होती है। इसे लिफाफे के अंदर नहीं रखा जाता। ஒரு பெரிய அம்யூஸ்மென்ட் பார்க் இந்த நகரத்துல இருக்கு. வாங்க நாம போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஜாயின்ட் வீல், கேபிள் கார், கிட்ஸ் ட்ரெயின் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அம்யூஸ்மென்ட் பார்க். அம்யூஸ்மென்ட் பார்க்
एक मनोरंजन की जगह है जहां कई तरह के खिलौने, खेल तथा राइड होते हैं। बच्चे और बूढ़े सभी इसे पसंद करते हैं। भीमकाय चक्र, इसे फेरीज व्हील भी कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़े आकार का चक्र होता है जिसमें यात्रियों को बैठने के लिए पालने होते हैं। इन पालों में बैठकर यात्री या बड़े बच्चे ऊंचा गोल चक्कर लगा सकते हैं। ट्रेन राइड्स, अम्यूजमेंट पार्क में बैटरी पर चलने वाली रंग बिरंगी खेलने की रेलगाड़ियां होती हैं, जिसमें अनेक आकार के डिब्बे होते हैं। बच्चों को इन गाड़ियों का सफर बहुत ही अच्छा लगता है। रोपवे, रोपवे को केबल कार भी कहते हैं। ये बहुत ही रोमांचकारक होता है। एक बहुत लंबी रस्सी को एक छोटा सा पालना लटकाया जाता है जिसमें बैठकर यात्रियों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। टिकट्स, अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए हमें उसकी फीस चुकानी पड़ती है। फीस चुकाने के बाद हमें टिकट काउंटर से टिकट मिलता है। ये टिकट अम्यूजमेंट पार्क में जाने का और उसके सभी खेलों का आनंद लेने के लिए परवाना होता है। बच्चों का पुल, बच्चों के लिए एक बहुत ही छोटा सा स्विमिंग पूल तैयार किया जाता है जिसे किड्स पूल कहते हैं। ये किड्स पूल ज्यादा गहरा नहीं होता और बच्चे इसमें तैरने का या पानी में खेलने का आनंद ले सकते हैं। जादू का खेल, कई बार कुशल जादूगर अम्यूजमेंट पार्क में अपनी जादुई करतब दिखाता है जिसे बच्चे और बूढ़े सभी पसंद करते हैं। डैशिंग कार, डैशिंग कार इलेक्ट्रिक पर चलने वाली छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, जिसके अंदर बैठते हैं और उस गाड़ी के इर्द गिर्द रबर की पट्टियां लगाई जाती हैं। इन कारों में बैठकर एक दूसरे को धड़क दी जाती है। समुद्री ड्रैगन, ये ड्रैगन बच्चों के लिए बनाया हुआ बहुत बड़े आकार का एक खास खिलौना होता है। ऐसा लगता है कि वो समंदर से बाहर आ रहा है। कई बच्चों को इसे देखने में बहुत आनंद मिलता है तो कई बच्चे इससे घबराते भी हैं। ये வீட்ல மீன் தொட்டி இருக்கு. எனக்கு மீன்களை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும். சுறுசுறுப்பா இருக்கும், பல நிறத்தில் இருக்கும். என்ன? உங்ககிட்ட இல்லையா? கவலைப்படாதீங்க, நாம மீன் காட்சி சாலைக்கு போலாம். மீன் காட்சி சாலையில் मत्स्यालय में कांच की पेटियों में अलग अलग तरह की मछलियां रखी जाती हैं। मछली की पेटी, इस कांच की पेटी में पानी भरकर कई तरह की मछलियां रखी जाती हैं। गोल्डफिश, ये मछली दुनिया के सभी हिस्सों में पाई जाती है। ये एक छोटी सी मछली है जिसे आप मत्स्यालय में भी देख सकते हैं।
ये नारंगी या फिर सुनहरे रंग की बहुत चमकदार होती है। क्लाउन फिश, इसे क्लाउन एनिमोन फिश भी कहा जाता है। ये एक नारंगी रंग की छोटी सी प्यारी मछली होती है जिस पर सफेद रंग के पट्टे होते हैं। ब्लैक गोल्ड फिश, बहुत सारी मत्स्यालयों में ये मछली देखने को मिलती है। ये काले रंग की चमकदार मछली होती है। ज़ेब्रा फिश, इस मछली को ज़ेब्रा डेनियो भी कहते हैं। मत्स्यालयों में ये बहुत ही लोकप्रिय मछली है। इस पर ज़ेब्रा जैसे काले और सफेद पट्टे होते हैं। स्टारफिश, इसे सी स्टार भी कहा जाता है। इसका आकार एक चांदनी के जैसा होता है। ये मत्स्यालय में हमेशा देखी जाती है। फिश बाउल, फिश बाउल में मछलियां रखी जाती हैं, लेकिन इनका आकार गोल होता है। फिश फूड, मत्स्यालयों में मछलियों को छोटे छोटे कीड़े तथा अनेक जीवन सत्व युक्त खाना खिलाया जाता है जिसे फिश फूड कहते हैं। मछलियों का जाल, इस जाल को मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन मोटर, ऑक्सीजन मोटर मत्स्यालयों की पेटियों में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। குழந்தைகளே, நீங்க கட்டாயம் மைதானத்துல போய் விளையாடணும். உங்களுக்கு நல்ல பயிற்சி கிடைக்கும். அதாவது ஓட்ட பயிற்சி அல்லது உயரம் தாண்டுதல், தூர தாண்டுதல் இந்த மாதிரி. ஆனா அதுக்கு நீங்க மைதானத்துக்கு இல்லனா கிரவுண்டுக்கு போணும். நாம இப்ப ஒரு அத்லெட் மீட்டுக்கு போலாம். அத்லெட் மீட். एक ही जगह पर अनेक खिलाड़ी एकत्रित जमा होते हैं जिसे एथलेटिक मीट कहते हैं। ये किसी खास दिन ही होता है। इस दिन वहाँ अनेक प्रकार के एथलेटिक्स खेल खेले जाते हैं और अनेक खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद उन्हें इनाम भी बांटे जाते हैं। भागने की दौड़, दौड़ एक बहुत ही मनोरंजक खेल है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह सारे खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हैं और सबसे पहले आखिरी स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आने वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। थाली फेंक, इस खेल में एक धातु की बड़ी भारी थाली होती है। जो खिलाड़ी इस थाली को ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकता है वही विजेता होता है। जवेलियन या भाला फेंक, जवेलियन एक भाले जैसी लकड़ी होती है। इसे हाथ से फेंका जाता है। विजेता होने के लिए इस भाले को दूर से दूर फेंकना होता है। हाई जंप या ऊंची कूद, हाई जंप या ऊंची कूद एक एथलेटिक खेल है। इसमें खिलाड़ी को एक आड़े रॉड के ऊपर से छलांग लगानी होती है। हर बारी के बाद उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है और उसे बिना छुए जो भी पार करता है उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। विनर स्टेज,
इस स्टेज में तीन पगडंडियां होती हैं, जो अलग अलग ऊंचाई पर होती हैं। सबसे ऊंचा पहले क्रमांक के लिए, फिर दूसरा क्रमांक और तीसरे क्रमांक के लिए सबसे नीचे पगडंडी होती है। स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक पूर्ण सोने का या सोने का पानी चढ़ाया हुआ होता है। जो खिलाड़ी प्रथम क्रमांक से विजेता होता है, उसे गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक दिया जाता है। रौप्य पदक। रौप्य पदक चांदी का या चांदी का पानी दिया होता है। दूसरे क्रमांक के विजेता को रौप्य पदक दिया जाता है। ट्रिपल जंप। ये एक एथलेटिक खेल है। इसमें तीन छलांगों में हमें लंबे से लंबे जाना होता है। पहली छलांग आखिरी छलांग के पैर से ही मारी जाती है, दूसरी छलांग दूसरे पैर से, और फिर तीसरी छलांग के बाद सीधे वालू भरे बक्से में कूदना होता है। ओह, ये ला पनतियों ना सुपरमार्केट ले सेलवेज चटे। इपना बैंक को पनो। निंगे एनोड़ वारेंगला? वंगी। बैंक में कई आर्थिक व्यवहार होते हैं। लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं या फिर बैंक से कर्जा भी लेते हैं। ATM, इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहा जाता है। ये एक संगणकीय साधन है। इसका उपयोग करके हम कई आर्थिक व्यवहार बैंक में जाए बिना भी कर सकते हैं। सुरक्षा। सुरक्षा अधिकारी बैंक, ATM या ऐसे स्थानों पर पहरा देते हैं। बैंक में चोरी ना हो, इसलिए सुरक्षा का होना अति आवश्यक है। डिमांड ड्राफ्ट, इसे DD भी कहते हैं। DD एक बैंक के द्वारा दिया गया चेक है, जिसका उपयोग करके हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। चेकबुक। इस पुस्तिका में अनेक चेक इकट्ठा बंधे होते हैं। इस चेक का इस्तेमाल करके हम पैसे निकाल सकते हैं या फिर एक खाते से दूसरे खाते में डाल सकते हैं। पेन स्लिप। ये एक बैंक में मिलने वाला एक ऐसा पन्ना होता है, जिसका इस्तेमाल करके ग्राहक अपने पैसे अपने खाते में जमा कर सकता है। चेक लीफ। चेक लीफ का मतलब है एक चेक जो चेकबुक के अंदर होता है। उस चेक में पाने वाले का नाम, तारीख और स्वाक्षरी होती है। हम किसी आदमी को पैसा चुकाने के लिए नोटों के बदले चेक भी दे सकते हैं। पासबुक। पासबुक में जो पैसे हम बैंक में भरते हैं या निकालते हैं, उसकी जानकारी होती है। इस जानकारी को हमारी हर क्रिया के बाद सुधारा जाता है। बैंक मैनेजर।
ये बैंक का मुख्य अधिकारी होता है जो बैंक की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। बैंक की शाखा का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। बैंक लॉकर। बैंक के अंदर सुरक्षा से रखी हुई ये एक बड़ी अलमारी होती है जिसमें कई खाने होते हैं। हर खाने को अलग अलग ताले और चाबियां होती हैं जो ग्राहकों को दी जाती हैं। हम हमारे कीमती जवाहरात या अन्य कागजात इन लॉकरों में रख सकते हैं। येन्ना सिनेमावा இப்பதான் வங்கியில இருந்து பணம் எடுத்தேன், அத செலவு பண்றதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே, சினிமாவுக்கு போகலாம். திரைப்பட அரங்கு. சினிமா தியேட்டர் एक मनोरंजन का स्थान है जहां पर अलग-अलग फिल्में दिखाई जाती हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। स्क्रीन या पर्दा। सिनेमा थिएटर में एक बहुत बड़े आकार का सफेद कपड़ा टांगा जाता है जिस पर प्रोजेक्टर से सिनेमा दिखाया जाता है। फिल्म रोल। इस रोल में छाया चित्रण के लिए फिल्म होती है। इस फिल्म को काले कागज में लपेटा जाता है ताकि सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े। प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक। प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक एक ऐसा साधन है जिससे छाया चित्र या चलचित्र बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं। प्रोजेक्टर रूम या प्रक्षेपक गृह। इस कमरे में प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक रखा जाता है। यहाँ हमेशा अंधेरा होता है। इस कमरे में आम लोग नहीं जा सकते। सिर्फ प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक को चलाने वाली व्यक्ति ही इस कमरे में जा सकती है। पोस्टर्स। बहुत बड़े छायाचित्र को पोस्टर कहते हैं। ये या तो प्लास्टिक के या फिर थोड़े से मोटे कागज के होते हैं। विज्ञापन के लिए या दिखावे के लिए इन पोस्टर्स का उपयोग किया जाता है। बालकनी। सिनेमा गृह में बालकनी के आसन आम आसनों से कई आरामदायी होते हैं। बालकनी पर्दे से थोड़ी दूर ऊंचाई पर होती है जहां से सिनेमा बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। कतार। सिनेमा घरों में टिकट निकालने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति कतार में सबसे पहला होता है उसे सबसे पहले टिकट मिलता है। आसन। सिनेमा घरों में बैठने के लिए कुर्सियां रखी जाती हैं। इन आसनों पर कई लोग साथ बैठकर चित्रपट देख सकते हैं। टिकट खिड़की। टिकट काउंटर या खिड़की में सिनेमा के टिकट बेचे जाते हैं। कार पार्किंग या वाहन तल। कार पार्किंग या वाहन तल पर कई मोटर गाड़ियां एक साथ खड़ी की जाती हैं। सिनेमा घरों में जो प्रेक्षक आते हैं वे अपनी मोटर गाड़ियां यहां खड़ी करते हैं। ओ, सिनेमा थिएटर ले यारो ये पर्स तेरे डिटांगा। येन्ना? पोगटुमा? आदेला कूड़ा द।
நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகப் போறேன். இதுக்கு புகார் கொடுக்க போறேன். காவல் நிலையம். पुलिस चौकी में सारे पुलिस एक साथ बैठकर परिस्थिति का नियंत्रण करते हैं। यही गुनहेगारों को लाया जाता है या हमारी तकरार भी दर्ज की जाती है। पुलिस की गाड़ी। पुलिस कर्मचारियों को घूमने के लिए जो वाहन दिया जाता है उसे पुलिस कार कहते हैं। सिटी। पुलिस लोगों को सावधान करने के लिए तेज आवाज करने वाली सिटी बजाते हैं। वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे पुलिस वाले आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग में लाते हैं। बेड़ियां। ये बहुत ही सख्त लोहे की बनी होती हैं, जिसे पुलिस वाले गुनहगारों को बंदी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। रिपोर्ट बुक। लोगों की तकरारों की दर्ज या गुनहगारों की खबर रिपोर्ट बुक में रखी जाती है। इस नोटबुक में गुन्हा, गुनहगार और उसकी जांच की जानकारी लिखी जाती है। पुलिसमैन। पुलिस में काम करने वालों को पुलिसमैन कहा जाता है। ये अधिकारी हर विभाग में गुनाहों पर या परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। पुलिस वाले को सुरक्षा के लिए बंदूक जैसे हथियार भी दिए जाते हैं। मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल एक दो पहियों वाला वाहन है। इस पर अधिकतम दो व्यक्ति एक साथ बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक मोटरसाइकिल को चलाता है और दूसरा उसके पीछे बैठता है। वाहतुक पुलिस वाला। वाहतुक की यातायात पर नियंत्रण रखने वाले पुलिस को ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ये वाहतुक पर नियंत्रण रखता है और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को दंडित करता है। नाइट स्टिक। नाइट स्टिक एक लकड़ी का छोटा डंडा होता है जिसे हमेशा पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। गुनहगार या डकैतों पर चलाने के लिए इस डंडे का उपयोग होता है।